हमारा विधायक उसमें इन्वॉल्व है तो हमारे विधायक को जेल भेजिए। मीडिया ने कह दिया लापता है, ब्रेकिंग न्यूज तो ये भी बन गई कि हमारा विधायक गिरफ्तार हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, कहे थे कि इनको समाजवादी पार्टी ने भेजा है। हमारे नजर में बेदीराम विधायक जी निर्दोष हैं या दोषी? सीट खुल गई, पता नहीं किसके परमिशन से हिस्ट्री सूट खुल गई, वो गैंगस्टर लग गया। गैंगस्टर डीएम साहब लगाते हैं, गैंगस्टर का नियम। लेकिन एक खबर जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत दिख रहे हो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, गले में जो है पीला गमछा इस बात का प्रतीक है कि ये जो है भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के ही जो है नेता होंगे। तो ये प्रदेश प्रवक्ता हैं आनंद तिवारी जी उर्फ राजू तिवारी जी, एक बार फिर से हमारे साथ हैं और तमाम सारे मुद्दों पर हम बातें करेंगे, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के एक विधायक हैं जो इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि इनके जो नेताजी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने तो कह दिया बातों बातों में कि वो तो हमारे विधायक हैं नहीं, वो तो सपा के विधायक हैं। नेताजी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है और हम सोल न्यूज के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं और गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हैं। जय किनाराम बोलते हैं और जय सुहेलदेव बोलते हैं। आपकी पार्टी इस समय बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। आप तो बड़ा दम भर रहे थे कि नहीं, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, एक सीट मिली है एकदम, और यहाँ 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं इस यूपी को। कुछ हुआ नहीं, एकदम सीधे उल्टा हो गया और आपकी पार्टी को एक सीट मिली थी, वो भी हार गए। राजनीति में हार जीत लगी रहती है बंधु, और रही बात हार जीत की, तो हार जीत का प्रवाह किए बगैर हम लोग फिर से अपने मिशन में लग गए हैं, समाज सेवा में लग गए हैं, अपने एजेंडे को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और हम पुनः फिर से तैयारी में लग गए हैं। हार जीत से हम जरा भी न भयभीत हैं न आहत हैं। हर राजनीति का हार और जीत एक हिस्सा है, जो लड़ता है वही जीतता है, जो लड़ता है वही हारता है, और उससे हम लोग जरा भी विचलित नहीं हैं और उससे हम लोग जरा भी हम लोगों के जोश खरोश में कोई कमी नहीं है। हाँ। जी, इस समय आपके जो एक विधायक हैं बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है, बने हुए हैं। मीडिया में एकदम खबर है कि जो है जितने जो बच्चे हैं जो पेपर देते हैं और लीक करने का ठीका ही ले रखे हैं। देखिए, पेपर लीक मामले में जो हमारे एक विधायक का नाम चल रहा है बेदीराम जी का, तो हम आपको एक चीज बता दें कि जैसे जब हम अपना उदाहरण दे रहे हैं, हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो हम चुनाव आयोग को अपने बारे में सारी सूचना लिखित देते हैं कि हमारे ऊपर कौन से मुकदमे हैं, कब से चल रहे हैं, विचाराधीन है या हमको उसमें सजा है या हमारा उसमें वारंट है या हम जो भी हमारा अपराध है हम उसमें लिखते हैं। अपराध को छिपा कर कोई चुनाव नहीं लड़ता, और वो विधायक हैं और वो चुनाव लड़े हैं तो स्वाभाविक है कि वो जो है अपना अपराध जो है डिटेल दिए होंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अगर हमारा विधायक उसमें इन्वॉल्व है तो हमारे विधायक को जेल भेजिए, उसकी जांच करिए। जब सीबीआई जांच हो रही है, न्यायपालिका जांच कर रही है, तो वो दोषी पाया जाएगा तो जेल जाएगा। और विधायक तो वो हमारा है, देखिए हम कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही उसे आप लोग पूरी बात समझते नहीं हैं, आप लोग उस बात को समझते नहीं और अपना चला देते हैं, अपना विचार रख देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज तो ये भी बन गई कि हमारा विधायक गिरफ्तार हो गया। ब्रेकिंग न्यूज तो ये भी बन गई तमाम चैनलों की कि विधायक जी हमारे गिरफ्तार हो गए, लेकिन हमारे विधायक जी आज हमारे जनता का काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में बने हैं और पब्लिक का काम कर रहे हैं, और हमारे विधायक जी 24 आवर जनता में चल रहे हैं। वो तो हाईलाइट खबर और ब्रेकिंग न्यूज को क्या माना जाए। बंधु, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया कि ये हमारे विधायक नहीं हैं, उनका ये नहीं कहना था कि ये हमारे विधायक नहीं हैं, वो ये कहे थे कि इनको समाजवादी पार्टी ने भेजा है हमारे यहाँ। ये समाजवादी पार्टी में थे, वहां से ये हमारे यहाँ आए। और सच्चाई भी है कि जब हम लोगों को समाजवादी पार्टी ने सीटें दी थी तो कुछ सुरक्षित नेता भी दिए थे, और विधायक हमारा बहुत ही लोकप्रिय विधायक है और हमारा विधायक जनता का बहुत लोकप्रिय है, जनता का काम करता है। दलित होने के नाते उसके साथ
ये जो षड्यंत्र रचा गया उसके ऊपर झूठा षड्यंत्र रच के उसे बदनाम किया गया, इस बात का हम खंडन करते हैं। अगर जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, नीट पेपर में अगर कहीं से उनका कहीं कोई नाम आ रहा है उनको उठा के जेल में डाल दीजिए। जी तो हो रहा है ना, कई जगह जो है कई जिलों में उनके ऊपर मुकदमे दायर किए। वही बात हमने आपसे कहा ना कि जब हम चुनाव लड़े होंगे तो हम अपना अपराध दिए होंगे ना, हम अपना उदाहरण दिए कि हम आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी। अच्छा वो वीडियो क्या मानते हैं आप, जो वीडियो दिख रहा है वीडियो साक्ष्य है ना कि वीडियो में वो कह रहे हैं कि जो है पेपर किसको नौकरी देना, इस तरीके से वीडियो वायरल। वो फेक वीडियो बना के देखिए, वो कोई एक गुप्ता जिसका नाम चल रहा है, उस गुप्ता को पता नहीं, ये आपस में ये लोग एक दूसरे को जानते भी होंगे कि नहीं जानते होंगे। जब मामला बिगड़ने लगता है जैसे, तो उसकी आंच, जैसे हम बताएं ना कि अगर दो बार कोई चोर चोरी कर लेता है ना, दो बार तीन बार कोई चोर चोरी कर लेता है तो फिर वो आजीवन कुछ भी किसी का खोता है ना तो वो यही कहेगा कि वही किया वही किया। वो जो फेक वीडियो आप देख रहे हैं ना, वो पूरी तरह से फेक वीडियो है। और हमारे विधायक पे जो मुकदमे चल रहे हैं वो सब न्यायपालिका में लंबित हैं। अगर वो कहीं से दोषी है तो उसका सजाए उनको मिलेगा, उनको हम और आप और चाहे कोई भी बचा भी नहीं पाएगा। न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपना काम कर। आपके आपके हिसाब से आपके विधायक क्या मतलब निर्दोष हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, दोषी हैं? जब तक कोई आपको तो पता होगा वो कुछ भी अगर वो लड़े होंगे चुनाव तो कुछ लिख के दिए होंगे कि नहीं हमारे पर इतना ये जानते हैं ना, पिछला अपराध जो भी उनका है सबकी जांच चल रही है। अब जानते हैं ना वो कौन की हिस्ट्री शीट खुल गई, बताइए हिस्ट्री शीट खुल गई, पता नहीं किसके परमिशन से हिस्ट्री शीट खुल गई। वो गैंगस्टर लग गया, गैंगस्टर डीएम साहब लगाते हैं, गैंगस्टर का नियम होता है डीएम साहब की बिना परमिशन के गैंगस्टर लग गया उसकी जांच। तो जो भी चीजें हैं, गैंगस्टर छोड़िए एनएसए तक की बात हो रही है, वही कह रहा है ना, तो वो सब न्यायपालिका काम कर रही है, अधिकारी लोग अपने जांच कर रहे हैं, वो उनका विषय है। वो अपना जहां से दोषी पाएंगे वो हमारे आपके कहने पे किसी को छोड़ नहीं देंगे। वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अच्छा रही बात ब्रेकिंग न्यूज की, किसी खबर की, तो हर खबर की खंडन करिए, क्योंकि खबर तो ये चल रही है कि विधायक मेरा जेल में है, मेरा विधायक जेल में तो है नहीं, मेरा विधायक गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार तो है नहीं, फेक वीडियो बना दिए पेपर नीट पेपर लीक मामले का। वो वीडियो कब की वो पंचायत कर रहे हैं, पता नहीं किस मामले की पंचायत कर रहे हैं, वहां कोई गुप्ता आ गया, वो गुप्ता का पता नहीं उनसे संबंध, हम तो नाम ही नहीं सुने थे, अब पता नहीं कैसे क्या सब हो गया गड़बड़। मेरा एक ही कहना है कि ये विषय जांच का विषय है, जांच चल रही है जी, बस जांच चल रही है, जांच चल रही है, जो फैसला होगा न्यायपालिका करेगी वो तो उसका विषय है, अधिकारियों का विषय है, सीबीआई का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का। तो आखिरकार जब बेदीराम जो विधायक हैं उनके पास जब कुछ मीडिया के लोग जाते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की होती है, वो कहते हैं कि जाके हम नहीं बोलेंगे, तो उनको सफाई देना चाहिए ना कि नहीं भाई इस तरह की बात है। उन्होंने ना बात किया, बात सारी मीडिया जब उनकी बात सुने तब तो मीडिया तो अपने मन से ही उनको गिरफ्तार कर दे रही है, मीडिया भगोड़ा घोषित कर दे रही है, मीडिया उनको वो क्या, एक दिन तो हम देख रहे थे न्यूज, मीडिया ने कह दिया लापता है वो, हमारा विधायक बैठ के लखनऊ से लेके गाजीपुर तक पब्लिक का काम कर रहा है, तो हम क्या माने, हम एकदम खंडन करते हैं। ये विषय जांच का विषय है बंधु, न्यायपालिका का विषय है, ये हमारा आपका विषय नहीं है। जो दोषी पाया जाएगा कोई बचेगा नहीं, ये कानून की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कानून चलता है, यहाँ पैरवी नहीं चलती गलत आदमियों की, जितने गलत आदमी है सब जेल में है। मैं एक चीज जानता हूँ, मुझे कानून व्यवस्था पे माननीय योगी जी के, विपक्ष के लोग कहते हैं जितने गलत आदमी है वो जो है उसी में है भाजपा, मैं बता रहा हूं उसका भी जवाब दे रहा हूं। माननीय योगी जी की कानून व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, और न्याय हो भी रहा है सबके साथ। हम लोग वैसे लोग नहीं ना है, हम काला चिट्ठा खोल दें, हमारे पास भी है उन लोगों का जो भी इतिहास भूगोल है, आपसे भी नहीं छिपा है। तो आरोप प्रत्यारोप जो है व्यक्तिगत लगाना बंद हो, जांच का विषय है, जांच हो रही है, जो फैसला आएगा माननीय न्यायपालिका का फैसला वो सबको मान्य होगा, वो पूरी जनता को भी मान्य होगा, हमारे नेताओं को भी मान्य होगा, और वो ये जांच का विषय है। इस पे जांच तो हो रही है, लेकिन आपके नजर में बेदीराम विधायक जी निर्दोष हैं या दोषी? जब तक सारा मुकदमा विचाराधीन है तब तक बेदीराम निर्दोष है जी।
मतलब आपके हिसाब से वो निर्दोष है? जब तक कहीं कोई सजाए नहीं होती, जब तक कहीं कोई जांच में दोष नहीं पाया जाता, तब तक हम कैसे दोषी कह दें, या आप कैसे कह देंगे, तो फिर या कोई कैसे दोषी कह देगा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, वो जब उनसे पूछा जाता है तो कुछ कहीं ना कहीं उनको वो जो है नकारते हुए नजर आते हैं कि नहीं हमारे विधायक नहीं। नहीं नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नकारते नजर नहीं आते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये सपा से आए हैं और ये सपा में थे भी, ऐसा नहीं है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। तो सपा से ये आए, हम कह रहे हैं कि जब ये सपा से आए और यहाँ आके हमारे पार्टी से चुनाव लड़ा उन्होंने, चुनाव वो जीते, तो अब हमारे वो माननीय हो गए ना, अब वो माननीय हो गए हमारे लिए। हम उनके ऊपर कैसे बेवजह किस कोई आरोप लगा दें, कोई उनके खिलाफ कार्यवाही कर दें, नहीं कुछ नहीं। जांच चल रही है, न्यायपालिका जो करेगी करेगी। चलिए, हमारे साथ जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी थे, और उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे जो विधायक हैं बेदी राम जी, और उन पर तमाम जो बताया जा रहा है कि यहाँ से वहाँ से तमाम मुकदमे हैं, तो उन्हीं सब मुद्दों पर बात हुई। आप इसमें कितना सहमत हैं, इससे कितना सहमत हैं? और ये तो जांच का विषय है, जांच होगा, अगर दोषी पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई भी होगी। तो चलिए, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।